हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? बोले तो कैसे हो? चलो आज हम जानते हैं दो बड़े मूवी के रिव्यू, बोले तो एनिमल और सैम बहादुर, एक जबरदस्त मास मसाला और एक रियल बेस स्टोरी के बीच। रिव्यू क्या निकलता है इसको हम देखेंगे आज। चलो फटाफट से देखते हैं क्या होता है आगे। एनिमल मूवी, क्या जबरदस्त एक्शन है भाई। रणवीर और बॉबी देओल का गॉड लेवल एक्टिंग, और एक्टिंग के साथ साथ रोमांस भर भर के आई। इसलिए एनिमल एक फैमिली ड्रामा एक्शन मूवी होने के बावजूद भी इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बोले तो इस मूवी को देखने के बाद फैमिली के लिए जान भी एक छोटी चीज लगेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूंगी इस मूवी के रोमांस को कोई भूल नहीं पाएगा। लिटरली फ्रेंड्स, ऐसे खुला खुला मूवी को देखने के बाद हम तो भूल ही गए कि सैम बहादुर जैसे एक रियल बेस स्टोरी भी रिलीज हुआ है थिएटर में। एक रियल स्टोरी, मानिक शाह, सैम बहादुर, ये मूवी रियल बेस स्टोरी होने के कारण जबरदस्त है, बोले तो बेस्ट है। दोस्तों, मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन बता दूं तो इस मूवी में स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले फटाफट होने के कारण बहुत दिक्कत। नो डाउट की विकी कौशल की इस मूवी में जबरदस्त एक्टिंग है, एक्टिंग तो गॉड लेवल है, इसके जैसे एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मूवी में स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले फटाफट होने के कारण इस मूवी के जो रियल स्टोरी है, हिस्ट्रिकल स्टोरी है, उसको अच्छे से अचीव नहीं कर पाता, इसलिए आपको ये मूवी बहुत बोर कर देगा। लिटरली दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं मुश्किल से 2.5 घंटा थिएटर में रोक पाया खुद को। सॉरी फ्रेंड्स, इट्स रियल स्टोरी बेस मूवी सैम बहादुर। फ्रेंड्स, एक रियल सिनेमा लवर और आर्मी लवर को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि पैट्रोटिज्म हमारे खून में है। सैम बहादुर जैसे रियल बेस स्टोरी मूवी कभी कभार देखने को मिलता है, इसलिए ऐसी मूवी को अपने जीवन में एक बार जरूर देखनी चाहिए। अपना पर्सनल ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक बाय।